हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप यू वाइज आर डूइंग वेल सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बीएचयू की यस आईआईटी बीएचयू और आईआईटी वाराणसी की तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशंस फॉर पीएचडी एच डी एडमिशन जिसे कि हमने देखा था दैट इज लास्ट डेट को हमने देखा था जो सारे ही आई के अपडेट्स वाला वीडियो था उसमें उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था बट लास्ट डेट येस सिक्सटीन ऑफ नवम्बर ही है एंड इसी से रिलेटेड दैट इज़ इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड बा, रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कवर करेंगे सो so, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिए इसे शेयर कर दीजिए एंड ये अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल सो इस सब्सक्राइबल को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होता है जो कि है बी ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर विजिट करने के बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको सेक्शन दिखेगा पीजी एडमिशन का वेट ये यू कैन सी पीजी ओपन सो इस पर क्लिक करेंगे देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा यहाँ पे ओवर व्यू है एंड आप यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हैं सो लास्ट डेट सिक्सटीन्थ नवंबर 2021 लाइक like, इवनिंग uh, में शाम पाँच बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं सिक्सटीन नवंबर को सो येस यहाँ पे लिंक दिख रही है आपको पीजी एडमिशन इवन सेमेस्टर इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेडिकेटेड पोर्टल है जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो ओपन हो जाएगा इसकी भी लिंक आपको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो so, प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा आप चाहें तो डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं सो so यस yes, ये है पोर्टल एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले स्क्रॉल होता हुआ जो दिख रहा है वो डेट है ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम सेकंड नवंबर 2021

से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो so ये कॉन्टेक्ट डिटेल है ई है आप इन्हें मेल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखेंगे उससे पहले इस वेबसाइट पर जो हमें बाकी इंफॉर्मेशन बताई गई है प्रोवाइड की गई है हम उन्हें देख लेते हैं सो अगेन डेट यहां पर लिखी है इसके बाद यहां पर आपको ई मेल दिख रही है आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं देन इंस्ट्रक्शन है सो स्टेप बाई स्टेप प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या क्या करना है सबसे पहले तो ये ब्रीफली एक्सप्लेन किया है दैट कितने स्टेप्स हैं सो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे देन लॉग इन करेंगे आप एक सैंपल पेपर भी देख सकते हैं आई मीन सेम्पल एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं क्लिक पे क्लिक करके नेक्स्ट कैसे आपको फी सबमिट करना है उससे रिलेटेड सैम्पल यहाँ पे अवेलेबल है तो प्रॉपर स्टेप्स दिए हैं ओवरऑल सेवन फोर्टीन स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं लास्ट स्टेप ऑब्वियसली आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं उसे डाउनलोड कर, कर सकते हैं सेव कर सकते हैं एज पी डी एफ एंड फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे गेट जी पैट मैंडेट्री है एंड ऑब्वियसली ह्यूमानिटीज़ में नहीं होता सो वहाँ पे नेट एल क्वालिफिकेशन आई थिंक मैंडेटरी होगा अभी हम देखते हैं ब्रोशर को नेक्स्ट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं सो स्टेप वन अभी आपने देखा अभी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या करना है एंड ऑल तो प्लीज़ इन सभी प्रोसेस को स्टेप्स को देख लीजिए इसे पढ़ लीजिएगा उसके बाद आई डोंट थिंक आपको कोई भी इशू होगा अप्लाई करने में एप्लीकेशन फ़ी कितनी है सो इट इज़ फाइव फॉर जनरल ओ बी कैंडिडेट्स एंड टू फॉर एस सी एस एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स ऑनलाइन ही पे करना है एस कलेक्ट पोर्टल जो होता है उसी के थ्रू आपको पेमेंट करनी है एप्लीकेशन फ़ी को पे करना है यहां पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं दैट सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश देन गो पे क्लिक करेंगे देन नेक्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देन उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी देन यू हैव टू सबमिट दैट उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एंड एक्सेट्रा प्लीज आप सैंपल देख लीजिएगा फॉर्मेट देख लीजिएगा अगर आपको कोई इशू है तो एंड ई रेसिप को सेव करके रखिएगा कॉपी अपने पास रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस आई कैन से नेक्स्ट स्टेप सेवन स्टेप एट सो इसी तरह से सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है आप इसे पढ़ लीजिएगा आई डोंट थिंक कि कोई पॉइंट है अगर हम इसे वन बाय वन प्रॉपर एक्सप्लेन करें करेक्ट यहाँ पे है हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है आपको सिर्फ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है कोई भी क्वेरी है सो so आप ई मेल आई कोऑर्डिनेटर्स के देखेंगे सो so उसे उन्हें मेल भी कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वेरी अगर डिपार्टमेंट रिलेटेड है एंड आपको ई में अपना एप्लीकेशन नंबर फुल नेम एंड प्रोग्राम अप्लाइड फॉर भी मेंशन करना होगा सब्जेक्ट में करेक्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स है सो ये आप एक बार देख सकते हैं क्या क्या आगे का प्रोसेस होगा एंड देन उसके बाद जिन्हें ऑफर किया जाएगा एडमिशन उनसे रिलेटेड यहाँ पे उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं लास्ट में फिर से ई मेल दी हुई है कोई इशू है आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो so, अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को सो so येस yes, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पे आपको सारी इन्फॉमेशन मिलेंगी इंस्टीट्यूट फेलोशिप येस अवेलेबल है कितनी अवेलेबल है वो सीट्स भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंशन है देन कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो तो बताया गया है ऑल्सो एरियाज़ क्या क्या हैं एंड कौन कौन से डिसिप्लिन आप जैसे सपोज आपने मास्टर्स किया है आपने इंजीनियरिंग के किसी ब्रांच से किया है सो so, आप किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंशन है सो so, वो टेबल्स हैं एन में एंड इसीलिए अभी आप देखेंगे तो आपको बार बार यहाँ पर टेबल्स मैंशन है सो so, वो हम देखेंगे बट एक बार हम पहले देख लेते हैं एडमिशन की, so है, so की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी है so अभी हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन है सो so इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अगर आप करना चाहते हो अप्लाई सो सिक्स परसेंट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए या फिर सिक्स सीपीआई हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में मास्टर्स लेवल पिक करे डायरेक्ट पी एच डी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं सो एप्लीकेंट्स विद बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग तो आपके लिए होना या आपके होने चाहिए मार्क्स या बैचलर्स डिग्री लेवल पे का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो अगर है तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लिखा है सो तो इसे चेक कर लीजिए एंड ये सभी के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन है एंड परसेंटेज भी जो रिक्वायर्ड है क्राइटेरिया है वो सिमिलर है दैट इज सिक्सटी परसेंट अगर मास्टर्स किया एंड सेवेंटी फाइव परसेंट अगर बैचलर्स के बाद अप्लाई करना चाहते हैं एंड अगर एमएससी डिग्री है मास्टर्स डिग्री इन साइंस एंड आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे आपके

इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा परसेंटेज तो सेम है सिक्सटी परसेंट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट दैन सब्जेक्ट्स की बात करें सो पी एच डी इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग है पी एच डी इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है एंड पी एच डी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी है ये इंटर डिसिप्लिनरी है देन फाइनेंशियल असिस्टेंस सो येस असिस्टेंस अवेलेबल है बट uh, एक पॉइंट जैसा भी मैंने इनिशियली भी बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिले सो so, गेट या आपके पास जी पैट क्वालिफाई होना चाहिए करेक्ट बट ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो यहां पे सी एस आई आर नेट एल एस लाइक यूटीसी और सी एस आई आर नेट एल एस क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल हैं बट यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया भी देख लीजिए नेट एल क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आपके सेवेंटी परसेंट मार्क्स या सेवन सी पी आई होना चाहिए तब आपको फेलोशिप मिलेगी ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दैट इज अगर सपोज आपको इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना है आप नेट क्वालिफाइड हैं आप चाहते हैं आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिले सो so मार्क्स आपके सेवेंटी परसेंट होने चाहिए मिनिमम अप्लाई तो आप सिक्सटी परसेंट पर कर सकते हैं बट फॉर फेलोशिप सेवेंटी परसेंट रिक्वायर्ड है एंड फेलोशिप कितनी है सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस सो थर्ट वन थाउजेंड पर मंथ फेलोशिप है नेक्स्ट एडमिशन टू कैंडिडेट्स हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप फेलोशिप है जे आर एफ ए इंसपायर फेलोशिप एक्सेट्रा सो उसके लिए आप यहाँ पर इंफॉमेशन को देख लीजिए नेक्स्ट कैटेगरी क्यू आई पी प्रोग्राम सो बेसिकली क्यू आई पी के थ्रू अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं इससे रिलेटेड इफॉर्मेशन है देन एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है देन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी दें पार्ट टाइम पी एच डी भी अवेलेबल है जो भी परमानेंट स्टाफ्स एंड फैकल्टी मेबर्स हैं इंस्टीट्यूट के एज वेल एज अगर आप रिसर्च असिस्टेंट है जे आर एफ एस आर एफ है किसी और एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में कर रहे हो लाइक वर्क कर रहे हो सो so आप भी अप्लाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिएगा क्राइटेरिया है तो उसे भी चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया सो ये आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा सिलेक्शन से रिलेटेड है शॉर्टलिस्ट होंगे रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होता है सो so उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए भी लिखा है दैट दी फॉलोइंग कटेगरी ऑफ एप्लीकेश शैल बी एक्जेमटेड फ्रॉम अपियरिंग इन द रिटर्न टेस्ट सो रिटर्न टेस्ट से कौन से कैंडिडेट्स एग्जैमटेड हैं सारे ही कैटेगरीज के हैं ऑलमोस्ट जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप फेलोशिप चाहिए वो यहाँ पर एग्जेम्ट नहीं है सो एक्सटर्नल कैटेगरी स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स जिनके पास नेशनल लेवल स्कॉलरशिप या फेलोशिप है एंड रजिस्ट्रेशन है अगर ऑफिशल का अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर आउट कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सो आप भी एग्जेमटेड हैं बाकी कैंडिडेट्स को देना होगा रिटर्न टेस्ट इट्स मैडेटरी नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स फिर रिजर्वेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है देन एडमिशन टू फॉरन नेशनल एंड एक्सेट्रा नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एंड वन डिपार्टमेंट स्कूल्स एंड सो देखिए डिसिप्लिन लिखे हुए हैं सपोज आप सिरामिक इंजीनियरिंग में चाहते हैं पीएचडी करना बट सिरामिक इंजीनियरिंग में आपने नहीं किया है मास्टर्स सो बैचलर्स मास्टर्स डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या मास्टर्स डिग्री है मटेरियल साइंस केमिस्ट्री अपलाइड केमिस्ट्री फिजिक्स एक्सेट्रा सो आप अप्लाई कर सकते हैं बट येस बैचलर्स डिग्री लेवल पे मैथ्स होना चाहिए सो डिसप्लिन वाइज चेक कर लीजिएगा एलाइड डिसप्लिन कौन कौन से अप्लीकेबल है कौन कौन से अलाउड है एंड आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं डिसिप्लिनस की बात करें सो सिरािक इंजीनियरिंग है देन केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग सी एस सी देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दैन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसिस एरियाज अभी हम देखेंगे डोंट वरी नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देन मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग सॉरी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है नेक्स्ट मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग दैन माइनिंग इंजीनियरिंग फार्मेसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिकल साइंसेस बायो केमिकल इंजीनियरिंग देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउ डिसिप्लिन वाइज रिसर्च एरियाज सो अगेन हम ह्यूमैनिटीज़ का तो देखेंगे बाकी प्लीज आप एरियाज को चेक कर लीजिएगा अपने जो भी आपके कंसर्न डिसिप्लिन हैं उनके सो सिरेमिक इंजीनियरिंग है तो देखिये डिसिप्लिन हमने देखा है सो इसे हम बाद में डिस्कस आई मीन हमने ऑलरेडी डिस्प्लिन देखे हैं so, सो हम डे So, है, है, एरियाज कौन कौन से है जैसे इंग्लिश के स्पेसिफिक एरिया चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट मैकेिकल है जिसमें मशीन डिजाइन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग थर्मल एंड फ्लूड्स एक्सेट्रा अवेलेबल है थर्मल एंड फ्लूड्स अवेलेबल है सो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट दैन एक्सेट्रा सो प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा एंड उसके बाद ये प्रोजेक्ट अवेलेबल बताया सो आई आई गुवाहाटी के साथ को में अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं टाइटल आप देख लीजिएगा नेक्स्ट कितने इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल है सो so, बायो बायो केमिकल इंजीनियरिंग में टू है बायो में थ्री है सीरामिक में वन केमिकल इंजीनियरिंग में वन केमिस्ट्री थ्री सिविल इंजीनियरिंग सिक्स सी एस सी फाइव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टू Humanities and social sciences total five. दैन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थ्री मटीरियल साइंस एंड टेक में एक भी नहीं है मैथमेटिकल साइंसिस थ्री मैकेकैनिकल इंजीनियरिंग फोटीन मेटेलॉजिकल इंजीनियरिंग थ्री माइनिंग इंजीनियरिंग अगेन थ्री फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फोर फिजिक्स फाइव एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग वन दैन जैसे अभी आपने ह्यूमानीटीज़ देखा टोटल फाइव है सो किस किस डिसिप्लिन में अवेलेबल है वो यहाँ नोट में लिखा है सो ह्यूमानिटीज एंड सोशल साइंसिस में लिंग्विस्टिक्स वन फिलोसफी टू एंड सोशलॉजी टू इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल में फोर है हाइड्रॉलिक एंड वाटर रिसोर्स में वन एंड ट्रांसपोर्ट में वन मैकेनिकल में थर्मल एंड फ्लू इंजीनियरिंग में एट, मशीन डिजाइन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फोर है ठीक है देन आ, बाकी नोट में जो पॉइंट्स हैं इन्हें भी चेक कर लीजिएगा उसके बाद एन एक्शोर टू है जहाँ पे जो भी रिकगनाइज आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लिस्ट है अगर आप चाहते हो एक्सटर्नली रजिस्टर होना सो आप देख सकते हैं इस लिस्ट को एंड यस सो दैट इज इट ये था ब्रोशर सारे इंफॉर्मेश्स थे आई ट्राइड कि हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकें एंड मुझे लगता है मैंने किया स्टिल अगर कोई इशू है कोई क्वेरी है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दैट इज इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग